हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं, जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। आज हम इसका टॉपिक अर्थमैटिकल प्रॉब्लम की फर्स्ट यूनिट दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके कोई भी वीडियोस मिस हो गए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस के, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो प्लीज डू हैव अ लुक फ्रॉम दैट। एंड आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, दैट इज वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन इज द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन अनदर क्वांटिटी। अगर कोई दो क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अगर एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आता है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली चेंज होनी ही वाली है। तो ये हम डिटेल में पढ़ते हैं दो तरीके से, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनवर्स वेरिएशन। सो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, अ चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ चेंज इन अनदर क्वांटिटी सच दैट द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट इज सेम एज द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ द सेकेंड एंड द मल्टीप्लाइंग रेशियो इज इनवर्स ऑफ दिस रेशियो। तो यहां पर जो मल्टीप्लाइंग रेशियो है वो डिसाइड करता है कि आप डायरेक्ट वेरिएशन में जा रहे हैं कि इनवर्स वेरिएशन में जा रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर हम कोई भी क्वांटिटी खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे कि अगर हमने 2 किलो चावल खरीदे जो कि आपके 40 रुपीज केजी है, ओके, तो अगर हम 10 किलो चावल खरीदेंगे तो 40 में उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी हम खरीदेंगे उतने ही ज्यादा हमको पैसे देने पड़ेंगे। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में आते हैं कि अगर हम कोई क्वांटिटी को ज्यादा या कम लेते हैं तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा या कम हो रही है। सिमिलरली इन इनवर्स वेरिएशन द रेशियो ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी and the multiplying ratio is same as the ratio in which the first quantity changes। तो यहां inverse variation में हमें simply ये पता करना होता है कि अगर हमारे पास कुछ लोग हैं काम करने के लिए, for example, तो जितने ज्यादा लोग काम करेंगे काम उतने कम दिनों में हो जाएगा, समझे। और इसी तरीके से अगर लोग कम होंगे तो काम भी उतने ही दिनों बाद होगा, मतलब जितनी कम क्वांटिटी होगी दूसरी क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सो यहां पर हम इनवर्स वेरिएशन यूज करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि क्वेश्चंस को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी तरफ से सॉल्व करने के बाद उसको फिर स्कूल के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या बुक के मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इजी मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से हमें याद रखना है कि वहां पर हम कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, और फिर हम उसको वर्ड्स में या फिर जो आपकी बुक में मेथड है उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डजन नोटबुक कॉस्ट ₹186, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच नोटबुक्स। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉस्ट और नंबर ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि अगर जितनी ज्यादा कॉपीज होंगी उतना ज्यादा हमको कॉस्ट देना पड़ेगा और जितनी कम कॉपीज होंगी उतना ही कम हमको कॉस्ट देना होगा। तो डजन बुक्स, एक डजन नोटबुक मतलब हो गया 12 नोटबुक्स। इसकी कॉस्ट है ₹186। सो आपको कॉस्ट निकालना है 8 सच नोटबुक्स का। सो कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स, सो इसको हम 186 लिखेंगे और ये नीचे लेके जाएंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज ₹124। ओके,
तो अब मैं यहां पर आपको दूसरा मेथड बताने वाली हूं। एक तो है हमारे पास नोटबुक्स और एक है हमारे पास कॉस्ट। नोटबुक हमें कितनी चाहिए? 12। कॉस्ट कितनी है? 186। नोटबुक्स हमारे पास हैं 8 दूसरे केस के लिए, और कॉस्ट हमको फाइंड करना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले जिस डायरेक्शन में हमको फाइंड करना होता है हम एरो मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी एरो मेथड। और जिस वैल्यू को हमको फाइंड करना होता है उसके डायरेक्शन में हम ये एरो को डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड कर देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में आप देखेंगे डाउनवर्ड ही करना होगा, बिकॉज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें सेकंड स्टेटमेंट में ही हमको कोई चीज फाइंड करनी होती है। तो आप देख सकते हैं अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो नोटबुक्स भी बढ़ेंगी, अगर कॉस्ट कम होगी तो नोटबुक भी कम होगी। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो जिस डायरेक्शन में हेड ऑफ द एरो जाएगा तो उसी केस को अगर हम सेकंड फर्स्ट वाले को कंपेयर करें तो उसी डायरेक्शन में हमारा एरो इसका भी जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम एक्स को लिखना सीखेंगे। तो ये वाला एक्स अपॉन 186 लिखेंगे, एरो का हेड जो है वो वाला हम पहले लिखेंगे और फिर उसके पीछे वाला टेल वाला लिखेंगे। एक्स हमने लिख दिया, अब इसके बाद हम इक्वल टू लगा देंगे। ओके, अब हमारे पास है 12/8। तो एक्स का हेड इस एरो के हेड के साथ मैच कर रहा है, यहां पर ये हेड 8 के साथ है, तो यहां मैंने 8 लिख दिया और टेल 12 की तरफ है। तो x इज इक्वल टू 8/12 मल्टीप्लाइड बाय 186। हेंस द सेम कैलकुलेशन आपको आ जाएगा यहां पर भी, तो आंसर आ जाएगा ₹124। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नोटबुक्स विल कॉस्ट रूपीज दिस मच। तो अब हमें पता है दैट रूपीज 186 कॉस्ट फॉर 12 नोटबुक्स, देयरफॉर रूपी 1 कॉस्ट फॉर 12/186 नोटबुक्स। उसी तरीके से अगर ₹1 इसके लिए है रूपी 356.50 कॉस्ट फॉर 12/186 मल्टीप्लाइड बाय 356.50। सो ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट दिस एज 23 नोटबुक्स। तो आइए इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। हमको कॉस्ट निकालनी है, सॉरी कॉस्ट गिवन है, और हमको नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालनी है। तो हमेशा याद रखेंगे जो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है उसको हमेशा हम राइट मोस्ट पे रखेंगे। तो नोटबुक हमारे पास थी 12 जिसकी कॉस्ट थी 186। यहां पर हमको कॉस्ट गिवन है दैट इज रुपीज 356.50 और हमको नंबर ऑफ नोटबुक्स एज्यूम करनी पड़ेगी एक्स। सो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अगर कॉस्ट या ज्यादा होगी तो नोटबुक भी हमको ज्यादा मिलेगी, अगर कॉस्ट कम होगी तो नंबर ऑफ नोटबुक्स भी कम हो जाएंगी। सो मैंने सेम डायरेक्शन में हेड मार्क कर लिया है। नाउ वी राइट हियर एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू, जिस डायरेक्शन में एक्स है तो इसका हेड दैट इज रुपीज 356.50 होल अपॉन रुपीज 186। तो एक्स विल बी इक्वल टू 356.50 डिवाइडेड बाय 186 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो ये आंसर भी इसका यही आएगा। सो ये हमारे कुछ इजी मेथड है जो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताती रहूंगी ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो पाए ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन अर्न्स रुपीज 5100 इन 3 वीक्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू अर्न रुपीज 6800। सेकेंड पार्ट, हाउ मच डज ही अर्न इन 5 वीक्स। तो यहां पर नंबर ऑफ वीक्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा अर्निंग होगी, या जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उतने ही उसको ज्यादा वीक्स काम करना पड़ेगा। तो ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा दूसरी क्वांटिटी। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सो वी आर गिवन अर्निंग is rupees 5100
इन 3 weeks. So earning is rupee 1 in 3/5100. So earning is rupees 6800 in 3/5100 multiplied by 6800. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट इट एज 4 weeks. ओके, सो इसको हम यहां पर दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं. हमको अर्निंग गिवन है और नंबर ऑफ वीक्स गिवन है. अर्निंग इज रुपीज 5100 फॉर 3 weeks एंड रुपीज 6800 फॉर एक्स नंबर ऑफ वीक्स. तो हमने ये एरो मार्क कर दिया है और इसी डायरेक्शन में हम इसको मार्क कर देंगे बिकॉज ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. नाउ वील राइट एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू, जिस डायरेक्शन में एरो का हेड होता है वही हमारा ऊपर नंबर लिखते हैं, और 5100. सो एक्स इज इक्वल टू 6800 डिवाइडेड बाय 5100 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो ये सेम आपका आंसर आ जाएगा. सेकेंड, हाउ मच डज ही अर्न इन 5 weeks. सो यहां पर आपको अर्निंग बतानी है 5 weeks में. सो यहां पर लिख सकते हैं अर्निंग इन 3 weeks इज रुपीज 5100. सो अर्निंग इन 1 week is 5100 divided by 3. So earning in 5 weeks is 5100 divided by 3 multiplied by 5. So we'll get the answer as 8500 rupees. So यहां पर हम लिख लेते हैं, हमको वीक्स गिवन है, नंबर ऑफ वीक्स, और अर्निंग फाइंड करनी है. सो 3 weeks में उसकी अर्निंग है रुपीज 5100. सो 5 weeks में हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स. सो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो एरो के हेड हमने एक ही डायरेक्शन में मार्क किए हैं. सो एक्स अपॉन 5100 विल बी इक्वल टू 5/3. So x will be equal to 5/3 multiplied by 5100. So hence we'll get the same answer. Next question number 3. If 3/5 of a plot of land costs rupees 75,120, what will 7/20 of the plot cost? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है, मतलब जितना हमारा प्लॉट होगा उतने ही ज्यादा पैसे हमको देने पड़ेंगे. जितना कम एरिया होगा प्लॉट का उतना ही कम हमको अमाउंट देना पड़ेगा. सो यहां पर भी ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो हम यहां लिख लेते हैं 3/5 ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड कॉस्ट रुपीज 75,120. So one of a plot, या फिर लिख सकते हैं one part of plot of land cost rupees 75,120 divided by 3/5. So we are being asked 7/20 part of a plot of land cost 75,120 अपॉन 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/20. सो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगी, 75,120 अपॉन 5 ऊपर आ जाएगा, 7 मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी है और 20 डिनोमिनेटर में. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दी वैल्यू एज रुपीज 43,820. तो यहां पर हम इसको दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं. यहां पर आप पार्ट लिख दीजिए,
यहां पर आप कॉस लिख लीजिए, तो पार्ट आपको है 3/5, दैट इज फॉर रुपीज 75120। 7/20 पार्ट के लिए कॉस्ट अगर हम एक्स मान लेते हैं, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, सो एक्स अपॉन 75120 विल बी इक्वल टू 7/20 डिवाइडेड बाय 3/5 एंड एक्स विल बी इक्वल टू 7/20 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 75120, सो वील हैव द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रक रन्स 476 किलोमीटर ऑन 56 लीटर्स ऑफ डीजल, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट रन ऑन 198 लीटर्स ऑफ द डीजल एंड हाउ मच डीजल विल इट नीड टू कवर 408 किलोमीटर्स। सो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, जितना ज्यादा डीजल होगा उतने ही किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, या जितना कम डीजल होगा उतने ही कम डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 56 लीटर्स ऑफ डीजल, दैट इज 476 किलोमीटर्स, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ डीजल विल बी 476 डिवाइडेड बाय 56, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 198 लीटर्स ऑफ डीजल विल बी 476 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 198, सो इट विल बी 1683 किलोमीटर्स। इसको हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, हमको डीजल गिवन है और डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, जो हमको फाइंड करना होता है उसको हम राइट मोस्ट में लिखते हैं और एज्यूम एक्स कर लेते हैं। सो यहां पर 56 लीटर्स में हम 476 किलोमीटर्स ट्रेवल कर सकते हैं, सो 198 लीटर्स में हम कितना डिस्टेंस लेट इट बी एक्स। सो डायरेक्ट वेरिएशन में बता चुकी हूं, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, सो जिस डायरेक्शन में x होगा उसी डायरेक्शन में हम एरो मार्क कर देते हैं, सो x अपॉन 476 विल बी इक्वल टू, x के बाद ही हम इक्वल टू लगाते हैं और जहां एरो का हेड होता है, बिकॉज x का हेड हमने x के लिए हमने एरो का हेड देखा था, उसी तरीके से 198 डिवाइडेड बाय 56, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 198 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 476, हेंस वील गेट द सेम आंसर। Now solving the second part, how much diesel will it need to cover this much distance? So diesel required to cover 476 kilometer is 56 liters. So diesel required to cover 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 476, देयरफॉर डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 408 किलोमीटर इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 476 मल्टीप्लाइड बाय 408, सो वील हैव द आंसर एज 48 लीटर्स। सो इसको हम सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं, हमको डिस्टेंस गिवन है और डीजल रिक्वायर्ड निकालना है, डिस्टेंस इज 476 किलोमीटर्स और 56 लीटर्स हमको डीजल रिक्वायर है, हमको निकालना है 408 किलोमीटर्स के लिए डीजल हमने एक्स एज्यूम कर लिया है, एरो हेड मार्क कर लेते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगी x upon 56 is equal to 408 upon 476. So x will be equal to 408 upon 476 multiplied by 56. So यही सेम आंसर आपका यहां पर भी आ जाएगा।
If a man can do a job in 5 days, how much time should 10 men take to do same job? तो यहां पर आप देख सकते हैं men और days, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही कम दिनों में काम हो जाएगा और जितने कम लोग होंगे उतने ही ज्यादा दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने के लिए. तो ये इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. तो आइए सॉल्व करते हैं इसको. सो यहां पर आप लिख सकते हैं 8 men can do job in 5 days. So 1 man can do job in 5 into 8 days. So यहां पर मैंने multiplication इसलिए किया है कि जितने कम लोग होंगे उतने ही ज्यादा दिन लगेंगे. तो यहां पर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन करते हैं फॉर इनवर्स वेरिएशन. नाउ वी हैव 10 men कैन डू जॉब इन 5 × 8/10. सो 5 2s and 2 4s, सो इट विल बी 4 days. ये आपका आंसर आ गया है. सो नाउ वील डू दिस बाय अनदर मेथड. नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज आपको गिवन है. मेन है 8, 5 days में कंप्लीट कर देते हैं. नेक्स्ट इज 10 men के लिए आपको निकालना है कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे. सो जिस डायरेक्शन में आपको एक्स निकालना होता है बाय डिफॉल्ट हम यही एरो मार्क करेंगे. और ये एक इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो मैं यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको मार्क करूंगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट एक्स अपॉन 5 = एरो का हेड 8 की तरफ है. सो यहां पर हम 8/10 लिखेंगे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एक्स अपॉन 5 बिकॉज हेड टू टो लिखते हैं, हेड टू टो लिखा है, इक्वल टू उसके बाद हमारा हेड 8 की तरफ है तो 8/10. सो एक्स विल बी इक्वल टू 8 × 5/10. सो वील हैव द सेम आंसर 4 days. नेक्स्ट इज अ कैंप ऑफ 1,000 soldiers हैज इनफ फूड फॉर 180 days. इफ 600 more soldiers ज्वाइन द कैंप आफ्टर 20 days, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट. तो यहां पर आपको एक कैंप में सोल्जर्स इतने दिन के लिए फूड रखते हैं. 600 मोर सोल्जर्स ने 20 डेज के बाद ज्वाइन किया है तो उनका जो खाना है वो कितने दिन के लिए और सर्वाइव करेगा. तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि डायरेक्ट है या इनवर्स है. सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे उतने ही कम दिन ये चलेगा खाना, है ना. जितने ज्यादा लोग उतना ही कम खाना चलेगा, ठीक है. सो यहां पर आप इनवर्स वेरिएशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो यहां पर लिखेंगे 1,000 soldiers has food for 180 days. सो 600 more soldiers. सो आफ्टर 20 days food is sufficient for 180 − 20, that is 160 days, and soldiers after 20 days. आपको पता है 1000 में 600 सोल्जर्स और ऐड हो गए तो ये हो गए टोटल 1600 soldiers. सो यहां पर आप लिखेंगे soldiers food is enough for 160 days. ये हम 20 days बाद की बात कर रहे हैं. फिर 1 soldier food is enough
फॉर 160 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डेज. नाउ 1600 सोल्जर्स फूड इज इनफ फॉर 160 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1600. सो इट इज गोइंग टू बी 100 डेज. तो 1600 सोल्जर्स के लिए 100 डेज सफिशियंट रहेंगे. सो यहां पर आप लिखेंगे सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज. सोल्जर्स जब हमारे पास 1000 थे तो 160 डेज के लिए चलना था बिकॉज आफ्टर 20 डेज आपको चीजें बतानी है. फिर नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारे 1600 हो गए तो अब कितने दिन ये खाना चलेगा. ओके सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन. तो एरो का हेड उल्टा हम बनाएंगे. सो इट इज एक्स अपॉन 160 इज इक्वल टू हेड इज फ्रॉम 1000 अपॉन 1600. सो एक्स विल बी इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1600. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. वी हैव द सेम आंसर 100 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A camp had enough food to last 50 days for 2200 soldiers. After 17 days, some more soldiers joined the camp and the remaining food lasted for 20 days. Find the number of soldiers who joined the camp later. So, यहाँ पर हम after 20 days की situation बनाते हैं. After 20 days, number of soldiers is equal to निकालना है. ये आपको कैलकुलेट करना है और डेज जो रिमेनिंग है दैट इज 50 में से हमने 17 डेज माइनस कर दिए हैं. सो इट विल बी 33 डेज. सो यहां पर आप लिख सकते हैं 2200 सोल्जर्स फूड लास्ट फॉर 33 डेज. और अब आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 20 days, the number of soldiers is equal to, ये हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2200 multiplied by 33 divided by 20 and on solving this we'll get 3630. तो ये तो number of soldiers हैं जो कि 20 days के बाद हैं. Therefore, number of soldiers who joined the camp later is equal to 3630 minus 2200, it is 1430. तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. वी हैव गॉट नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स. डेज 33 है, नंबर ऑफ सोल्जर्स है हमारे पास 2200. अगर डेज हमारे पास 20 है तो नंबर ऑफ सोल्जर्स हम एक्स ले लेते हैं और ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको नीचे की साइड मार्क किया है एरो और इसका ये हम उल्टे साइड मार्क करेंगे. सो नाउ x upon 2200 is equal to 33 upon 20. So x is equal to 33 multiplied by 2200 divided by 20. So on solving this, we'll get this as 3630. Next question number 8. If 12 laborers can earn rupees 12,240 in 12 days, how many laborers can earn 6,800 in 8 days? तो earning, labors and days. तो यहां पर तीन चीजें हैं, labors, earning
और डेज, ये तीनों चीजों को आपको कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम वही मेथड लगाएंगे, जितने ज्यादा लेबर्स उतने ही कम दिन लगेंगे। तो ये दोनों इनडायरेक्ट वेरिएशन के हैं, और जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उतने ही कम लेबर्स आपको चाहिए पड़ेंगे। सो यहां पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन को देख के काम करना है। सो पहले हम यहां पर डेज वेजेस एंड लेबर्स का चार्ट बना लेते हैं, बिकॉज आपको नंबर ऑफ लेबर्स निकालना है, इसलिए मैंने इसको राइट मोस्ट साइड पे लिखा है। तो नंबर ऑफ डेज 12 हैं, वेजेस हैं रुपीज 12,240, लेबर्स हैं 12। ओके, नाउ वी हैव गॉट 8 डेज, वेजेस हैं आपके पास 6800, और नंबर ऑफ लेबर्स हमने x एज्यूम कर लिया है। सो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ लेबर्स हमको इस तरीके से मार्क करना होगा। सो जितने ज्यादा लेबर्स उतने ज्यादा वेजेस, जितने कम लेबर्स उतने ज्यादा, सॉरी जितने कम लेबर्स उतने ही कम वेजेस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो इसका एरो का हेड इसी के ही जैसा हम मार्क करेंगे। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ लेबर्स होंगे उतने ही कम दिनों में काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। सो ये है इनडायरेक्ट वेरिएशन। सो यहां पर आप समझ सकते हैं वेजेस और लेबर्स डायरेक्ट वेरिएशन में है, और लेबर और डेज दोनों इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। सो वील हैव एक्स अपॉन 12, एरो के हेड वाले हम ऊपर लिखते हैं, तो 6800 डिवाइडेड बाय 12240 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 8। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस, एक्स एज 6800 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12,240 एंड बाय 8। सो वील गेट सर्टेन आंसर। सो अब हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ लेबरर्स डेज इज इक्वल टू 12 इंटू 12, दैट इज 144 डेज ऑफ ईच लेबर इज इक्वल टू 12240 डिवाइडेड बाय 144। सो वी विल गेट दिस एज 85। नाउ लेबर डेज रिक्वायर्ड फॉर 6800 रुपीज के लिए, so it will be divided by 85, so ये आ जाएगा आपके पास 80, and number of labors required will be 80 divided by 8, that is for 10 labors, hence your answer is going to be 10 here। ये हमने बुक वाले मेथड से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वेजेस ऑफ 4 मेन फॉर 30 डेज अमाउंट्स टू रुपीज 3900, फाइंड द वेजेस ऑफ 20 मेन फॉर 40 डेज। तो मैं इसको पहले शॉर्टकट मेथड से बता देती हूं। आपको वेजेस फाइंड करना है तो वेजेस को हम लास्ट में लिखेंगे, नंबर ऑफ मेन आपको पता है और नंबर ऑफ डेज आपको पता है। तो पहली लाइन का हम डाटा इसमें लिख लेते हैं, 4 मेन 30 डेज और वेजेस है रुपीज 3900। वी हैव गॉट 20 मेन फॉर 40 डेज, वेजेस हमने एक्स एज्यूम कर ली है। सो जितने, ये बाय डिफॉल्ट हमने मार्क कर दिया है एरो, सो जितने ज्यादा मेन उतने ज्यादा वेजेस आपको देने पड़ेंगे। ओके, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया, और जितने ज्यादा दिन वो काम करेंगे उतना ही ज्यादा वेजेस आपको देना पड़ेगा। ओके, सो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का मार्क हम लगा देंगे।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजेस के साथ नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं. सो वील हैव दिस एज एक्स अपॉन 3900 इज इक्वल टू 40/30 मल्टीप्लाइड बाय 20/4. सो एक्स इज इक्वल टू 40 × 20 × 3900 डिवाइडेड बाय 30 × 4. सो अब यहां पर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे वेजेस फॉर फोर मेन फॉर 30 डेज इज इक्वल टू रुपीज 3900. So, wages for one man for 30 days is equal to rupees 3900 divided by 4. Next, wages for one man for one day will be equal to rupees 3900 divided by 4 divided by 30 also. So, on solving this, we'll get this as rupees 32.50. Now, therefore, wages for 20 men for one day will be equal to rupees 32.50 multiplied by 20. Now, wages for 20 men for 40 days, it will be rupees 32.50 multiplied by 20 multiplied by 40. So, it will be rupees 26,000 as the answer. तो यहां पर भी आपका आंसर 26,000 रुपीज ही आएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. इफ 500 केजी ऑफ फूड लास्ट फॉर 40 डेज फॉर 30 मेन, हाउ मेनी मेन विल कंज्यूम 675 केजी ऑफ फूड इन 45 डेज. तो पहले मैं इसको सिंपल जो बुक वाला मेथड है उसे सॉल्व कर देती हूं. 500 केजी ऑफ फूड लास्ट 40 डेज फॉर 30 मेन. तो यहां पर नंबर ऑफ मेन आपको कैलकुलेट करना है. सो 1 kg ऑफ फूड लास्ट फॉर 40 डेज विल बी इक्वल टू 30/500. नाउ 1 kg ऑफ फूड लास्ट फॉर वन डे विल बी इक्वल टू 30/500 मल्टीप्लाइड बाय 40. सो यहां पर आप देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ डेज रहेंगे मेन उतने ही कम होने चाहिए. ज्यादा नंबर ऑफ डेज रहेंगे तो मेन कम खाना खा पाएंगे, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ मेन होंगे तो नंबर ऑफ डेज हम कम खाना खा पाएंगे, है ना. सो इसलिए मैंने यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन किया है. नेक्स्ट इज 675 kg ऑफ फूड लास्ट फॉर वन डे इज इक्वल टू 30 × 40 / 500 × 675. And therefore, 675 kg of food last for 45 days is equal to 30 × 40 × 675 divided by 500 and also divided by 45. So it will be 36 days as the answer. तो हम इसको आप shortcut method से करेंगे. We have got food, days and men. So food is 500 kg, days is 40 and for 30 men. Next is 675 kg of food
फॉर 45 डेज एंड मेन हमने एक्स अज्यूम कर लिया है एंड बाय डिफॉल्ट वी आर मार्किंग द एरो टुवर्ड्स द एक्स. सो फूड और मेन दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खाना, जितने कम लोग उतना कम खाना. तो इसका एरो इसी के ही जैसे हम मार्क करेंगे. अब जितने ज्यादा लोग उतने कम दिन खाना मिलेगा, तो मतलब ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का है. तो इसका एरो हम इसके ही अपोजिट मार्क करेंगे. नाउ वील कंपेयर दिस. एक्स अपॉन 300 इज इक्वल टू, जहां एरो का हेड है दैट इज 40 अपॉन 45, जहां एरो का हेड है दैट इज 675 डिवाइडेड बाय 500. सो एक्स इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 675 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 500. हेंस योर आंसर इज गोइंग टू बी 36. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. 25 मेन वर्किंग 8 आवर्स अ डे डू अ जॉब इन 63 डेज. हाउ लॉन्ग वुड 45 मेन टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग 7 आवर्स अ डे. तो यहां पर मेन जो काम करते हैं 8 घंटे के लिए और 63 डेज के लिए. तो यहां पर पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट वेरिएंट है. तो यहां पर हमको मेन गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स आपको कैलकुलेट करना है. तो आवर्स को मैं यहां पर लास्ट में लिखूंगी और डेज को पहले. तो पहले में आपको गिवन है 25 मेन 8 आवर्स के लिए 63 डेज काम करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर 45 मेन 7 डेज के लिए कितने घंटे काम करेंगे. तो ये हमारा एक्स हमने एज्यूम कर लिया है और यहां पर हमने एरो मार्क कर लिया है बाय डिफॉल्ट. अब हम कंपेयर करेंगे मेन और नंबर ऑफ आवर्स के साथ. जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो मेन के साथ इनडायरेक्टली, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतनी जल्दी मतलब कम टाइम में काम हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट. सिमिलरली यहां पर भी नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ डेज को अगर हम कंपेयर करें, जितने ज्यादा घंटे हम काम करेंगे उतने ही कम दिन हमको लगेंगे. सो ये भी इनडायरेक्ट वेरिएंट है. ओके सो अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं. एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू 63 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 45. सो एक्स इज इक्वल टू 63 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 45. सो वील गेट हियर 40 डेज एज द आंसर. सो नंबर ऑफ डेज हमारे 40 हम लिख सकते हैं. नाउ वील सॉल्व इट बाय द मेथड गिवन इन द बुक. सो 25 मेन वर्किंग 8 आवर्स, सॉरी नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है. तो 1 आवर अ डे कैन डू जॉब इन 63 इंटू 8 डेज, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे. और अगर 1 मैन वर्क 1 आवर्स अ डे कैन डू जॉब इन, इसमें भी नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे बिकॉज एक अकेला आदमी कितना काम करेगा, है ना. सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 63 इंटू 8. अब हमारे पास नंबर ऑफ मेन बढ़ गए हैं, दैट इज फॉर 1 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन डू जॉब इन 25 इंटू 63 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम हो जाएगा. अगर हमारे पास मैन पावर 45 मैन की है वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन डू जॉब इन 25 मल्टीप्लाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 7, और ये भी और जल्दी काम हो जाएगा इसलिए डिवाइड बाय 45. हेंस वील गेट द आंसर एज 40 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.
19 men working 7 1/2 hours a day finish a job in 21 days. How many hours a day must 45 men work to complete it in 7 days? तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करना है. अगेन सेम हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे, मेन डेज एंड आवर्स. मेन है 19, डेज है 21, आवर्स है 7 1/2. नेक्स्ट इज 45 मेन 7 डेज, आवर्स हमने एक्स ले लिया है. सो अगेन बाय डिफॉल्ट हम यहां पर एरो इस तरीके से मार्क कर देंगे और इसके साथ ये इनडायरेक्टली वेरिएंट है जो कि मैंने ऊपर समझाया था. सो एक्स अपॉन 7 1/2 को हम लिख सकते हैं 15/2 इज इक्वल टू 21/7 मल्टीप्लाइड बाय 19/45. सो एक्स विल बी इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 7 इंटू 45 इंटू 2. हेंस ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द आंसर 19/2 डेज, सॉरी आवर्स. नाउ वी कैन मेक अ सिंपल मेथड लाइक 19 मेन वर्किंग 1 hour a day complete job in 21 multiplied by 7 1/2 को हम लिख सकते हैं 15/2 days के लिए. So one man working 1 hour a day complete job in 21 multiplied by 15/2 multiplied by 19. Next one man working 7 days in 1 hour complete job, that is 21 multiplied by 15/2 multiplied by 19, and we'll divide this by 7, and therefore 45 men working 7 days for 21 into 15/2 multiplied by 19 multiplied by 7 multiplied by 45. So we'll have the answer as 19/2 hours, which is equal to 9 1/2 hour in mixed fraction. Hence this is the solution. Next is, if 3 men or 4 women can earn 180 rupees in a day, how much will 8 men and 12 women earn in a day? So यहां पर आपके पास कुछ details given हैं. For 3 men in 1 day will earn rupees 180, and 1 man in 1 day will earn 180 divided by 3, that is 60 rupees. Similarly, 4 women in 1 day will earn rupees 180. So 1 woman in 1 day will earn rupees 180 divided by 4, that is rupees 45. तो ये हमने 1 man के लिए और 1 woman के लिए earning निकाल दी है. So now we need to calculate for 8 men and 12 women. So 8 men 1 day earning is 60 into 8, that is rupees 480, and 12 women 1 day earning is equal to 12 into 45, that is rupees 540. So अब इन दोनों को हम add कर देंगे. So total earning in a day by 8 men and 12 women will be 480 plus
540, that is rupees 1020. Hence, this is the solution. I hope आपको मेरे solution video जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी doubt या query है तो आप मेरे channel के comment section में comment करके पूछ सकते हैं. और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.